तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंडियन क्वाइन मिल में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 रुपए के ऐसे क्रॉस वाले सबसे कीमती सिक्कों के बारे में, और साथ ही हम आपको जानकारी देंगे एक ऐसे क्रॉस वाले सिक्के के बारे में जिसे 6 लाख रुपए की भारी कीमत पर नीलाम किया गया है। दोस्तों, आप सभी ने 10 रुपए के ऐसे काफ़ी सारे सिक्के चलाए होंगे, और आप में से बहुत से लोगों को ऐसा लग सकता है कि ये सिक्के काफ़ी ज़्यादा कॉमन हैं, पर इनमें से कुछ सिक्के ऐसे भी हैं जिनको लाखों रुपए तक की कीमत में नीलाम किया गया है। इनमें से वो कौन से सिक्के हैं जो कि रेयर हैं, और कौन से वो सिक्के हैं जिनकी कीमत लाखों तक जाती है, इसकी पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। क्रॉस वाले ऐसे सिक्कों को यूनिटी इन डाइवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, और इन सिक्कों को 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों में भी जारी किया गया है। 10 रुपये के इन सिक्कों को 2005, 2006 और 2007 में जारी किया गया था, और इसके बाद जल्द ही इन सिक्कों को रिप्लेस कर दिया गया इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले नए डिज़ाइन के सिक्कों के साथ। इन सिक्कों को बाई मेटेलिक क्वाइंस भी कहा जाता है, क्योंकि इन सिक्कों में कई अलग अलग धातुओं का प्रयोग हुआ है, जिनमें सिक्के का बाहरी भाग आपको गोल्डन कलर का दिखाई देता है और अंदर का भाग आपको चमकीला दिखाई देता है। इनमें सिक्के के बाहरी भाग में कॉपर व निकल का इस्तेमाल किया गया है, जबकि भीतरी भाग में अल्मोनियम और ब्रॉन्ज का इस्तेमाल हुआ है। इन 10 रुपए के सिक्कों को जारी करने से पहले काफ़ी सारे अलग अलग डिज़ाइन वाले सिक्कों की टेस्टिंग की गई, और फाइनली इन सिक्कों को सेलेक्ट किया गया फाइनल मिंटिंग के लिए। सिक्के के डिज़ाइन के बारे में बात करें तो सिक्के के एक भाग पर आपको अशोक स्तंभ देखने को मिलता है, उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, और साथ ही सिक्के के ऊपरी भाग पर भारत और इंडिया इंग्लिश और हिंदी में लिखा गया है। इसके साथ ही आप सिक्के के निचले भाग पर सिक्के के बनने का सन और उसका मिंट मार्क बना हुआ देख सकते हैं। सिक्के के दूसरे भाग पर आप 10 रुपये और 10 रुपीज लिखा हुआ देख पाएंगे, साथ ही यहां पर यूनिटी इन डाइवर्सिटी का लोगो भी बनाया गया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इन सिक्कों की कीमत के बारे में। तो पहले जान लेते हैं ऐसे कॉमन सर्कुलेशन में जारी किए गए सिक्कों की आज के समय में कितनी कीमत है। इस तरह का 2005 में जारी किया गया सिक्का अगर आपके पास UNC कंडीशन में मौजूद हो, तो आज के समय में ऐसे सिक्के की आपको 400 रुपये से 500 रुपये के बीच मिल सकते हैं। एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में ये सिक्का आपको 250 रुपये से 300 रुपये तक की कीमत दिला सकता है। इसके बाद 2006 वाले सिक्के की बात करते हैं। अगर आपके पास ऐसा सिक्का UNC कंडीशन में होगा, तो आपको इसके 30 रुपये तक मिल सकते हैं UNC कंडीशन में। और इसके बाद अगर 2007 का ऐसा कोई सिक्का UNC कंडीशन में आपके पास निकल आए, तो इसकी कीमत आपको 100 रुपये तक मिल सकती है। और अब हम बात कर लेते हैं उन कीमती सिक्कों के बारे में जिनकी कीमत लाखों रुपए तक जाती है। स्क्रीन पर आप 2006 का एक सिक्का देख सकते हैं, जो कि एक पैटर्न कॉइन है, यानी ये सिक्के कॉमन सर्कुलेशन में जारी नहीं किए गए। और 2006 के इस पैटर्न कॉइन की एस्टिमेट वैल्यू है 1 लाख से 1.25 लाख रुपए तक। इसके बाद अगला कीमती सिक्का आप देख सकते हैं, और ये भी एक पैटर्न कॉइन है, यानी ट्रायल के तौर पर इस सिक्के को भी जारी किया गया था, और ये सिक्के कॉमन सर्कुलेशन में कभी नहीं आए। और ऐसे ही 2004 के एक सिक्के को $8,000 में नीलाम किया गया, और इस कीमत को अगर आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो ये लगभग 6 लाख रुपए बनती है। तो ये थी जानकारी 10 रुपये के ऐसे क्रॉस वाले कुछ कीमती सिक्कों के बारे में। अगर आप सिक्कों और नोटों की ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, तो इसके लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट indiancoinmill.com, जहां पर आपको पुराने सिक्के और नोटों की कंप्लीट प्राइस लिस्ट मिल जाएगी। वेबसाइट को विजिट करने के लिए आप गूगल पर indiancoinmill.com सर्च कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई, तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।